इस क्लिप में जैसे ही यह शेर नदी पार करने लगता है, तभी एक क्रोकोडाइल उसका पीछा करता हुआ उस पर अचानक हमला कर देता है। यहाँ जैसे तैसे शेर क्रोकोडाइल के चंगुल से छूटकर पानी से बाहर आता है। यहाँ इस शेर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यह पागल हो गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक जहरीले सांप ने काटा है और यह दर्द शेर के लिए इतना असहनीय है कि यह अभी जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। अब इस अमेजिंग क्लिप पर नज़र डालिए, जहाँ आज शायद इस कछुए का मरने का दिन नहीं था, तभी तो मगरमच्छ इसे चबाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस कछुए का मगरमच्छ कुछ बिगाड़ नहीं पाता और इस तरह से कछुआ मौत के मुंह से बड़े आराम से बाहर आ जाता है। इस क्लिप में वाइल्ड डॉग्स का ग्रुप बड़े आराम से शिकार को खा रहे होते हैं, पर तभी यहाँ एक तेंदुआ तेजी से दौड़ता हुआ आने लगता है और जैसे ही इन्हें तेंदुए की आहट सुनाई देती है, ये पलक झपकते ही भाग निकलते हैं और तेंदुआ इसका फायदा उठाते हुए तुरंत शिकार उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब इस कुत्ते की ओवर एक्टिंग को देखिए, जिसके पैर में एक छोटा खिलौना लग जाता है, जिसके बाद यह ऐसा ड्रामा करता है मानो इसका पैर टूट गया हो, और हद तो तब हो जाती है जब यह थोड़ी दूर जाकर गिरते हुए बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। दोस्तों, जंगली भैंस ताकतवर तो होते हैं, लेकिन जब ये झुंड में हो तो ये और भी ताकतवर और ख़तरनाक बन जाते हैं, और अगर इनके झुंड में कोई फंस जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे कि यहाँ एक शेर भैंसों के झुंड में बुरी तरह से फंस जाता है। यहाँ शेर झुंड से निकलने में पूरी ताकत लगा देता है, पर अफसोस यहाँ शेर भैंसों से पिटने के सिवा और कुछ कर नहीं पाता। इस क्लिप में हाथी अपनी ताकत दिखाने के लिए शांत बैठे भैंसों को परेशान करने लगता है, लेकिन जब एक भैंस गुस्से में हाथी के पैर पर वार करता है, हाथी भी यहाँ लंगड़ाने पर मजबूर हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों, मगरमच्छ एक ऐसा जीव होता है जिसके सामने कोई भी आए वह उन्हें नुकसान पहुँचाना ही चाहता है, और जैसा कि आप इस क्लिप में भी साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ यह मगरमच्छ आज इतना ज़्यादा भूखा था कि जब इसे खाने को मांस नहीं मिला, यह दूसरे मगरमच्छ के पैर को ही जबड़े से पकड़ लेता है और अपनी स्पेशल टेक्निक से पैर को तोड़कर निगल जाता है। मगरमच्छ जो अपने प्रजाति पर ही दया नहीं करता, इससे दूसरे जीवों के लिए दया की उम्मीद रखना ही बेकार है। तो दोस्तों, आज के डुम्बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।